कथा बोल। कैशो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग की एक नया डिवाइस के बारे में। सैमसंग ये वर्ल्ड का फर्स्ट डिवाइस है जो एंड्रॉयड ओरियो गो वर्सन में लॉन्च किया गया है सैमसंग की तरफ से। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आज इसी डिवाइस के बारे में डिटेल्स में मैं बात करूँगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के पास एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में सबसे पहले आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सैमसंग फर्स्ट एंड्रॉयड गो एडिशन फ़ोन जी हाँ फ्रेंड्स, ये सैमसंग का फर्स्ट गो एडिशन फ़ोन है गैलेक्सी जे टू कोर, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी जे टू कोर। आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं, पीछे का फ़ोटो आप देख सकते हैं, रियर कैमरा फ्लैश लाइट के साथ एंड स्पीकर ग्रिल भी आपको कैमरे के साथ ही मिल रहे हैं, एंड फ्रंट में आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा भी देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोन सैमसंग की तरफ से पहला फ़ोन है जो एंड्रॉयड ओरियो गो एडिशन के साथ आता है, जिसका नाम है फ्रेंड्स सैमसंग गैलेक्सी जे टू कोर। फ्रेंड्स, ये अभी इंडिया में भी अवेलेबल हो गया है, आपको इंडियन मार्केट में ये डिवाइस देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इसका जो स्क्रीन साइज है 5. जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो स्क्रीन है 5 inch का स्क्रीन है। क्वाड एचडी डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, 2600 mAh का बैटरी आपको इसमें देखने को मिलेगा जो आपको पूरा दिन की सर्विस दे सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप मैं पहले ही बता चुका हूँ, गो एडिशन के साथ आता है। तो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड ओरियो गो एडिशन बहुत ही बैटरी एफिशिएंट है, आपको 2600 mAh बैटरी एक दिन आराम से चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें गो एडिशन अल्ट्रा डाटा सेविंग फीचर्स भी देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इसमें लो डाटा कॉस्ट प्लान भी आपने देखने को मिलेगा, एंड फ्रेंड्स आपको जे टू कोर फीचर्स LTE कनेक्टिविटी, जी हाँ फ्रेंड्स आपको 4G कनेक्टिविटी के साथ ही ये मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको 3 days वाईफाई की स्पीड भी आपको देखने को मिलेगा, एंड वाईफाई जो इसमें काम करता है 2.4 GHz के ऊपर बहुत ही बढ़िया इसमें है। एंड फ्रेंड्स, अगर इसके हम कैमरे की बात करें फ्रेंड्स, कैमरे इसमें रियर कैमरा आपको 8 MP का मिल जाएगा, एंड सेल्फी कैमरा 5 MP के साथ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये अंडर 10,000 की रेंज में अच्छा फ़ोन है, जैसे कि सैमसंग की बहुत सारे फ़ोन आपको देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज में। एंड फ्रेंड्स, इसमें जो अच्छी बात है, इसका आपको ओरियो गो एडिशन मिल रहा है। एंड फ्रेंड्स, इसमें आपको जो रैम मिल रहा है, आपको रैम आपको 1 GB रैम मिलेगा, एंड 8 GB आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 8 GB इंटरनल स्टोरेज 1 GB रैम के साथ आपको ये देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, आपको इसमें माइक्रो SD का स्लॉट भी मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें सैमसंग का ही प्रोसेसर लगाया गया है, सैमसंग की एक्सिनोस 7570 चिपसेट इसमें देखने को मिलेगा, जो 14 nm की टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है। 1.4 GHz ऑक्टा कोर्टेक्स A53 के ऊपर बेस है। जी हाँ फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर हम ये डिवाइस की बात करें, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम ओवरऑल इस डिवाइस की बात करें, ओवरऑल फीचर्स की बात करें, तो एक मिड रेंज फ़ोन में जैसा रहता है वैसा ही है। इसमें खास बात यही है, आपको फ्रेंड्स इसमें एंड्रॉयड गो एडिशन मिल रहा है, ये इसका खास बात है बस, और इसमें ज़्यादा कुछ खास फीचर्स नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आज इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में सबसे पहले आ जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, आप कौन सा वीडियो देखना पसंद करते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार वीडियो बना सकूं। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।